ओके, फूड फॉर थॉट, और वो ये कि अगर आपका बचपन का प्यार और आपका एक्स प्यार दोनों आमने सामने आ जाए तो क्या होगा। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों ही तो एक्स हो गए, क्योंकि दोनों ही आपके पास्ट का हिस्सा है। एग्रीड, लेकिन ये तो अनुपमा जानती है, वनराज को तो यही लगता है ना कि वो अनुपमा का एग्जिस्टिंग प्यार है। तो लीजिए, अनुज और वनराज जब आए आमने सामने और लड़ाया पंजा, तो कौन जीता, क्या लगा आपको? अनुज, तू भले अनुपमा का दोस्त है, लेकिन मैं उसका पति रह चुका हूँ। मुझे हराना नामुमकिन है। और अनुपमा मेरे बचपन का प्यार है, तो मैं तो ट्राई करूंगा, दम है तो रोक के दिखाओ। देखते हैं कौन हारेगा कौन जीतेगा। मुझसे पंजा लड़ा के तूने पंगा ले लिया है, पंगा। जलन हुई ना? ज्यादा हवा में मत उड़, मैं रोज जिम में जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अभी गिरा दूंगा तुम्हारा हाथ। तू हाथ गिरा, ये हैंड पंप उखाड़, अनुपमा अब होगी तो सिर्फ अनुज की। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अनुज। अनुपमा भी आज क्या सोच रही होगी कि एक और मेरे बचपन का दोस्त है तो दूसरी तरफ मेरा एक्स हस्बैंड, फिर दोनों ये सोच रहे हैं कि कब कैसे किसको हरा दें। इनके मन में जो भी चल रहा हो, लेकिन अनुपमा के मन में फिलहाल यही चल रहा है कि कान्हा जी बस करो, अब ये सब देखा नहीं जाता। तो आपने देखा है कि वो पंजा लड़ाने बैठे और पंजे में जीत भी गए, उनकी ईगो को बहुत बड़ा बूस्ट भी मिला। अब जब से अनुज से अनुपमा मिली है, कितना इनसिक्योर हो गया है वनराज, ये तो सबको साफ साफ नजर आता है। पहले तो वनराज आया नहीं अपने परिवार के साथ अनुज के घर, और बाद में न जाने उसका मन कैसे पलटा कि वो तोशो के साथ आ गया। वनराज नहीं आए ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर वनराज शाह नहीं है तो ड्रामा नहीं होगा, तो वनराज शाह का पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो वनराज शाह किसी तरह अपनी ईगो को कंट्रोल में भी किया, लेकिन वही ईगो उनको यहाँ पे लेके आई। और उस पर जब अनुज ने कहा कि अनुपमा तुम्हें मुंबई जाना होगा काम के सिलसिले में, हम दोनों मुंबई जाएंगे, ये बात सुनकर तो उसका पारा और हाई हो गया। वो फिजिकल और ईगो का जो उसका जो उसकी जो जीत है उस पर फिर से एक और अटैक होता है कि अनुपमा अनुज के साथ बॉम्बे जाने के लिए हाँ कह देती है, तो एक तरह से ये जीत होती है और वो हार हो जाती है, तो ये फिर से जो है इसकी ईगो को बहुत बुरी तरह से हर्ट करता है। अब वनराज, अनुपमा आपके हाथ की वो कठपुतली नहीं रही जिसे आप जैसे चाहे वैसे किया करते थे, अब ये अनुपमा अपनी नई उड़ान भरने चली है, और इसकी ये उड़ान बहुत आगे तक जाएगी। अभी तो वनराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ वो एक के बाद एक अटेम्प्ट कर रहा है कि वो किसी तरह से अनुपमा को अनुज के साथ काम करने से रोके, या उसके साथ किसी भी तरह का एसोसिएशन होने से रोके, बट वो रोक नहीं पा रहा है क्योंकि अब अनु नहीं सुन रही है, और अनु को रोकना, अब मुझे लग रहा है अनुपमा को रोकना थोड़ा सा वनराज के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वनराज के बापूजी जो हैं उनकी भी सपोर्ट उसके साथ है। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्टर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।